सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड बेहद ही रोमांचक रहा, जहां पर कैप्टनसी की दौड़ में सभी घरवाले एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, तो वहीं फिजिकल फाइट्स भी देखने को मिली, तो साथ ही साथ भाव की अंदरूनी ताकतें भी बाहर निकल आई। भाव सरेआम घर में पाद मारते हुए नजर आए। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में जान ही लेते हैं। तो दोस्तों, घर में चल रहा कैप्टनसी से रिलेटेड केव वाला टास्क आगे बढ़ रहा होता है। सभी घर वाले अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच शेफाली जरीवाला और मायरा शर्मा एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाती हैं। शेफाली मायरा से कहती है कि मुझसे आराम से बात करो, तो वहीं शेफाली को मायरा धक्का लगा देती है और फिर शेफाली को गुस्सा आता है और फिर वो मायरा को धक्का लगा देती है और इस तरीके से उनके बीच में फाइट हो जाती है और ये फाइट बहुत बड़ी होती है। इसी तरह से यहाँ पर दो दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला और असम रियाज के बीच में झगड़ा हो जाता है। दरअसल असम और सिद्धार्थ के विचार मैच नहीं करते हैं और इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ों का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, माहौल में बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है और जैसे तैसे करके एक दिन का टास्क कंप्लीट होता है। फिर सुबह होती है, घर में एक एनर्जेटिक गाना बजता है, सभी घर वाले इस गाने पर झूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद होता कुछ यूं है कि बाहर गार्डन एरिया में खेसारी, शहनाज और भाव बैठे बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में भाव पाद मारना शुरू कर देते हैं। लगातार भाव पाद मारते हुए नजर आते हैं। खेसारी तो परेशान होकर चले भी जाते हैं, लेकिन शहनाज वहीं रुकती है। फिर थोड़ी देर बाद शेफाली आ जाती है और शेफाली के सामने भी भाव कई बार पाद देते हैं। शेफाली कहती हुई नजर आती है कि भाव, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग, आप क्या कर रहे हैं। भाव कहते हैं कि भाई, भगवान ने दिया है तो क्या करना, पाद ही मारे जाएंगे और क्या किया जाएगा। और इस तरीके से भाव माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। फिर शुरू होता है टास्क का अगला दिन। सभी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला विशाल को अपनी टीम में लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उन्हें कई तरीके के बातें बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि एक साइड पे हो जाओ और विशाल उनकी बातों में हाँ भी भरते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ उन्हें कहते हैं कि एक साइड पे जाओ, अगर तुम उन्हें सपोर्ट करते हो दैट मीन्स तुम उनकी टीम में हो, लेकिन हाँ चॉइस इज योर्स, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि तुम कौन सी साइड पे हो, दोनों साइड पे नहीं रह सकते तुम। जब ये सब बातें हो रही हैं, तब शेफाली कहती है कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हाँ इंसान अच्छा है लेकिन गेम में भरोसे के लायक नहीं है। तो वहीं बाकी पारस छाबरा की टीम में बात कर रही होती है कि चाहे उसे कोई कुछ भी कहे, कितना भी समझाए, लेकिन ये करेगा वो जो इसके मन में है। ये गेम अच्छा खेलता है और ये गेम खेलेगा, किसी का नहीं है ये यहाँ पे। तो वही देवोलीना भट्टाचार्य इस बात से थोड़ी खफा है, कहीं सिद्धार्थ शुक्ला अगले कप्तान न बन जाए। वो अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आती है कि वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ कैप्टन बने, क्योंकि अगर वो कैप्टन बना तो मैं क्या, मेरी जूती भी काम करके नहीं देगी। तो वहीं अरहान खान बताते हैं कि बेशक ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन जैसा ये गेम है और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता जाएगा, ये लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है, गेम आगे बढ़ता जाता है, लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। अरहान और असिम का केव प्रॉपर भरा होता है, लेकिन विशाल का केव खाली होता है। असिम उठाकर बोरियां विशाल के केव में डाल देते हैं। मायरा खाली करती है और इस बात का विरोध करती है, तो असिम कहते हैं कि जब तक संचालक मुझे कुछ नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। मायरा कहती है कि संचालक कैसे करेगा यार, वो तो वाइस कैप्टन है। इस बात को लेकर सिद्धार्थ उन्हें समझाते हैं, तो असिम समझने से इनकार कर देते हैं और इसी चीज को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। विशाल आदित्य सिंह बहुत ही सावधानी से इस गेम को खेलते हुए नजर आते हैं। असिम और अरहान केव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन विशाल बार बार में केव से बाहर निकलते हैं और एक एक करके सभी की प्लेट्स को तोड़ देते हैं। इस तरीके से विशाल आदित्य सिंह को खुद बिग बॉस कैप्टनसी का दावेदार घोषित करते हैं और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है असम और अरहान के बीच में। और इस तरीके से इस टास्क में होता ये है कि ना अरहान ना आसिम आगे बढ़ते हैं और ना ही आसिम के कोई भी दोस्त। इस टास्क के खत्म होने तक चार कंटेंडर बचते हैं और वो होते हैं विशाल आदित्य सिंह, पारस छाबरा, माहिरा शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य। और अब इन चारों के बीच में कैप्टनसी को लेकर दावेदारी है और इन्हीं के बीच में होगा कैप्टनसी के लिए घमासान। इस दौरान घर के सभी सदस्यों की निगाहें सिर्फ विशाल के ऊपर होती है कि वो किसका चुनाव करेंगे, किसे सेव करेंगे। विशाल को बार बार में असिम और सिद्धार्थ समझाते हुए नजर आते हैं कि वो जो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 46 की हाइलाइट्स। और आज का एपिसोड वाकई बहुत ही मजेदार रहा, जहां पर भाव ने हंसी का तो अलग ही लेवल पार करवा दिया। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।